देखिए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है ये। हर 5 साल बाद चुनाव होने ही हैं, तो 5 साल लगभग पूरे हो चुके हैं और अब अगला चुनाव की तैयारी हमारी है। मुझे इस पिछले कार्यकाल की जो पंचायतों की जितनी गतिविधियां हुई हैं और जिस प्रकार का पंचायतों ने अपना रोल किया है, इसके ऊपर बहुत ही संतोषजनक तरीके से मैं कह सकता हूँ और मैं सराहना भी करता हूँ उन पंचायतों की जिन्होंने कुछ मापदंड खड़े किए हैं। हमने एक प्रतियोगिता शुरू की थी कि 7 स्टार पंचायतें, जिसमें अलग अलग उपलब्धियां प्राप्त करने वाली पंचायतों को अलग अलग स्टार के नाम से प्रोत्साहन भी किया, प्रोत्साहित किया गया था, उनको इनाम की राशि भी दी गई थी। तो एक होड़ लगी पंचायतों में, कहीं स्वच्छता की, कहीं वृक्षारोपण की, और कहीं शिक्षा के नाते से, कहीं स्वास्थ्य के नाते से, हर एक पहलू को लेकर के। और वहाँ पर पंचायतों ने अपना रोल किया सामाजिक कामों में, और खास करके जो केंद्र की ओर से, प्रदेश की ओर से योजनाएँ चलाई जाती हैं, उन सब कामों में पंचायतें आगे बढ़ी हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि अगले सत्र की पंचायतें जो हैं और आगे बढ़ेंगी, यही उनसे अपेक्षा। क्या मानते हैं कि भेदभाव पूर्ण विकास हुआ सभी गांवों का? क्योंकि पहले लगता था, आरोप लगते थे कि भेदभाव किया जाता था किसी भी पंचायत के साथ। भेदभाव पूर्ण नहीं, भेदभाव रहित जो विकास हुआ है वो भेदभाव रहित हुआ है, समान विकास हुआ है। और हमने तो जितनी भी ग्रांट्स आती हैं उसमें ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र में कहीं कम कहीं ज़्यादा, एक प्रोपोर्शनेटली उनकी आबादी के हिसाब से और वो सारी राशि बांटी जाती है। और वहाँ पर जहाँ कम यानी विकास हुआ है, कम विकसित गांव हैं, उनको अतिरिक्त राशि देने की बात हम करते हैं। जिनका अच्छा विकास पूरा हुआ हो उनके हिस्से की राशि पूरी उनको जाती है और सब अपना ठीक से काम कर रहे हैं। पहली बार पंचायतों में स्वर ऐसा निकला है कि इतने पैसे हमको कभी नहीं मिले जितने इस 6-5 साल के कार्यकाल में उनको मिले। महिलाओं के प्रति कहीं ना कहीं जो भागीदारी की बात थी उसमें मनोहर सरकार एक बड़ा फैसला लेती नजर आई है कि 50% भागीदारी नजर आई है। लिया है ना हमने फैसला लिया है कि आखिर एक पूरे समाज की 50% आबादी है तो 50% भागीदारी भी उनको मिलनी चाहिए। तो उनको अल्टरनेटिवली बारी बारी से वो अपना प्रतिनिधि खड़ा कर सकेंगी, महिलाएं, फिर पुरुष महिलाएं, ऐसा बारी बारी से वो करेंगे ताकि सबको उसकी भागीदारी मिले। और इससे एक और होगा कि लगातार किसी एक ही व्यक्ति को या एक ही महिला को 10 वर्ष प्रतिनिधि करने की बजाय 5-5 वर्ष का समय मिलेगा। हर बार बदल होने से उसका एक अच्छा प्रयोग भी रहेगा कि हर बार नया काम करके विकास करके लोग आगे जाएं। सर, इससे हटके एक आखिरी सवाल, कोरोना महामारी एक बार फिर से पैर पसारती नजर आ रही है, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, कुछ एक प्रदेश जो है लॉकडाउन पर विचार कर रहे हैं, आपका क्या विचार है? आपने ठीक कहा कि दोबारा से कोरोना चूंकि कुछ प्रदेशों में आगे बढ़ रहा है, दिल्ली है, हरियाणा है, ऐसे कुछ प्रदेशों में ये थोड़ा सा फिर से ऊपर उठा, लेकिन उसके लिए हम सारे जितने भी हमारे पहले से किए हुए जो काम कर रहे थे वो भी हम कर रहे हैं। एक बार बीच में स्कूल खोलने की बातचीत हो गई थी, लेकिन स्कूलों में भी बच्चों को और अध्यापकों को कुछ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, तो हमने 15 दिन के लिए अभी फिर से स्कूल बंद किए हैं। 15 दिन के बाद फिर विचार करेंगे, उस समय स्थिति क्या होगी उस समय देखेंगे। लेकिन सारे समाज को मैं आह्वान करता हूँ कि सबका दायित्व बनता है कि इस कोरोना से वो बचें। कोरोना होने के बाद इलाज का काम तो सरकारें कर सकती हैं, लेकिन कोरोना से बचाने में, अपने आप को बचाने में, अपने साथियों को बचाने में समाज के लोगों को आगे आना होगा। लॉकडाउन पर भी विचार किया सर? अभी लॉकडाउन का विचार नहीं है, लेकिन स्कूलों को 15 दिन के लिए हमें बंद किया। एनसीआर पे नजर रखेंगे क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली से आसपास लगता इलाका पहले से ही नजर है और हम सब चीजें हमने अलर्ट